अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक हो गए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आज का व्लॉग क्या है? आज का व्लॉग सबसे पहले तो ये है कि गैस नहीं है। सुबह से हम परेशान हैं, खाना भी नाश्ता भी हमने जो है वो होटल से किया है, तो अब दोपहर का कुछ पता नहीं। अब देखते हैं हम दोपहर में क्या खाते हैं और अपना व्लॉग भी चलाते हैं। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। थोड़ी बहुत दोबारा हो गया, खाना बनाते हैं। तो जी नाज़रीन, तो आज भी बत्ती गैस नहीं थी, गैस बिल्कुल सुबह से गई हुई। आगे पीछे तो चलो सुबह जल्दी 1-2 बजे तक चली जाती है, लेकिन आज तो सुबह 8 बजे से ही गैस थी। और वैसे ही रोज़ रोज़ा लोड शेडिंग हो रही है, 11 बजे लाइट चली जाती है रात के, और सुबह आती है 6 बजे। 6 बजे सारा दिन आती रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज संडे थी तो आज तो बस हद हो गया। जब नाश्ता भी बाहर से किया है, दोपहर का लंच भी बाहर से किया है, चाय के लिए अब आई है गैस 6 बजे। आइए तो अब तो हम चाय पी रहे हैं, आपको चाय दिखाते हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं। बाकी हम ऊपर ही बैठे हुए, वही रूटीन है, वही चाय, वही नाश्ता, वही सुबह, वही शाम। आ जाए जी राजी, ये देखे मैं चाय पी रही हूँ, जिस बहन भाई ने पीनी है आके पी ले। मैंने दोपहर में खाया नहीं कि मैंने लेट नाश्ता किया था, तो बच्चों ने खा लिया। मैंने कहा चले मैं डबल रोटी खा लेती हूँ, तो मैं ब्रेड खा रही हूँ चाय के साथ, पेट भर जाएगा। रात में तो खाना खाना ही, तो जिसने भी खाना है मेरी बहनें आकर मेरे साथ खा सकती हैं। तो हमने देखा, आपको बताया था कि गैस नहीं है, दोपहर में हमने खाना खाया नहीं, शाम में हमने डबल रोटी और चाय पी थी, तो अब हम ये खा रहे हैं। खाइए कि चले भी थोड़ा, ये आ गया है, ये टूट पड़ेगा, टूट पड़ो, टूट पड़ो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो हम ये खा पी रहे, क्या करें, थोड़ी देर के बाद गैस आएगी, रोटियां पकाएंगे और खाएंगे। और जिस बहन भाई ने खानी है, हमारे घर में गैस नहीं है भाई, संडे के रोज होता है, इतवार को होता है, इतवार और जुम्मे को, इतवार और जुम्मे को कराची में गैस की लोड शेडिंग चल रही है, जिसकी वजह से घर के खाने को तरस गए। नाश्ता भी बाहर से करो, दोपहर को खाना भी बाहर से खाओ, रात का खाना भी बाहर से खाओ। ये दुख का खत्म नहीं होता बे, रिफ्रेशमेंट भी बाहर से करो, चाय तक नहीं पी सके, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, क्या कर सकते हैं भाई, गुजर रही है ना यार, बस गम है जिंदगी में बहुत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी को लेके चलना है। अगर बोलती तो गैस वाले के घर पे बम मार के आए। नहीं अभी मजा आएगा ना, भिड़ बिस्किट साढ़े उड़ा दिए, किसने उड़ाए, खाओ तुम लोग, लो इतना लो, खाओ जितने सारे बिस्किट थे, बिस्किट उड़ा दिए, फिर मेरे को बोलने बैठे। मुझे तो अभी याद आता है, चलो आप लोगों को भी दिखाए कि देखे ये हाल हुआ है, बाहर तो खा खा कर जेबें खत्म कर दी है सबने, सब हो गए हैं गरीब। सुबह का नाश्ता बाहर से, दोपहर का भी बाहर से, अभी शाम का भी देखे, अम्मी थोड़ा अम्मी है। खाओ भी खाओ। और ब्लॉग चलता है अभी, चलता रहना चाहिए, ब्लॉग रुकने नहीं चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ सारे समाज, सारे पाकिस्तान से मेरा एक मैसेज है, हाँ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वो मैसेज जरूर सुने आप, कौन से बहुत अहम सवाल है, लेकिन ये सवाल मैं सरप्राइज रखता हूँ। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोग कमेंट में मुझसे पूछे कि आखिर वजह क्या है।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ऐसी वो कौन सी बात थी जो आप उस वक्त बताना चाह रहे थे? आपके चेहरे में हमने घबराहट देखी। अच्छा, खाली देखी, कुछ ऐसा था तुम्हारे दिल में? तो मैं ये चाहता हूँ कि सबको पता लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इतनी जल्दी भी पता चलना चाहिए। क्यों? अच्छा सवाल है। बाय। सस्पेंस रहना चाहिए। नहीं यार, सब कुछ बता देगा तो भाषा बन जाएगा। अगर ये सस्पेंस अच्छा था हुआ फिर अच्छा होगा। वैसे भी हम लाहौर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, वो अलग है कहानी। एक सस्पेंस मैं अपनी नागरिक जनता के लिए छोड़ता हूँ। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये सस्पेंस आप लोगों ने मेरा इंतजार कर रहा, और अगली वीडियो में मैं ये सस्पेंस का पर्दाफाश करूँगा, और आपने वो देखना है कि ऐसा सस्पेंस। मैं कहता हूँ कि लोग वीडियो में जब ये वीडियो देखेंगे ना, तो लोग मुझे 26 तोपों की सलामी के बाद सैल्यूट भी मारेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी ऐसा तो नहीं, सांप तो नहीं खरीद रहा। मैं वाला हूं, बहुत अनोखा, ये इतना अनोखा काम कर रहा है कि कश्मीर आबाद करा रहा है। ये उठाया लेकिन मूंगफली नहीं आई इसमें। वाह, तो ये क्या था? ये मूंगफली आनी चाहिए। तो सस्पेंस था? नहीं नहीं, सस्पेंस नहीं है, एक अहम सवाल जो मैं। वाह जबरदस्त, ये मूंगफली का जोश था, ये मेरा जोश नहीं था, ये मूंगफली का जोश था। क्योंकि आपने सुना होगा ये पुरानी कहावत है कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना। गया दिल्ली, दिल्ली से लाया बिल्ली, अगले रुलाएगा क्या? और मैं कहता हूँ आप लोगों ने बिल्कुल एक्टिव रहना है, और सोचना है कि ऐसा कौन सा सवाल था जो दानिश ने बोला था मैं करने वाला हूँ सस्पेंस। और मेरा जब वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा फिर आप सबने जूतियां लेके इसके पीछे भागना। जिस दिन मैं सस्पेंस का पर्दा फाइट करूंगा ना, उस दिन हर बंदा बोल रहा होगा अन्ना 24 घंटा चौकन्ना। ले ले खा खाई खाई खा। चलो गाइस, सही है जी, इतना पका दिया। मैं जान सकती हूँ आपने कान में टिश्यू लगाया, लेकिन हौसला रख के आओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।